साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों आज हम आपके बीच बात करेंगे चेस्टोन कोल्ड। साथियों बहुत ही फेमस ब्रांड है, सभी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से ये दवाई मिल जाएगी। सभी के केमिस्ट के ओवर द काउंटर ड्रग है, सभी जगह अवेलेबल होती है। साथियों चेस्टोन कोल्ड है क्या, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानेंगे डिस्क्रिप्शन, साथ ही साथ इसके बेस्ट कंपोजिशन की बात करेंगे, यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे, साइड इफेक्ट एंड हाउ टू वर्क चेस्टोन कोल्ड इन द बॉडी एंड प्रिकॉशन एंड वार्निंग की बात करेंगे, एमआरपी की बात करेंगे। साथियों चेस्टोन कोल्ड टैबलेट इज यूज टू ट्रीट कॉमन कोल्ड। कहने का मतलब है मौसम चेंज हो जाता है, जैसे सर्दी जुखाम हो जाता है, रनिंग नोज हो जाता है, स्टफी नोज हो जाता है, छींके बहुत आती हैं, स्नीजिंग हो जाती है, वाटरी आइज हो जाती है और कंजेशन हो जाता है, स्टिफनेस हो जाती है, तो ऐसे केस में इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है। साथियों इट इज आल्सो यूज टू ट्रीट रिलीव पेन एंड फीवर। और ये क्या होता है कि जैसे सर्दी से जो है बॉडी एक होता है या बुखार आ जाता है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसे केस में चेस्टोन कोल्ड टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे, तुरंत आराम मिल जाएगा। साथियों चेस्टोन कोल्ड एक सिप्ला का ब्रांड है। साथियों इसमें देखिए सिप्ला कंपनी, फार्मास्यूटिकल कंपनी, बहुत फेमस कंपनी है, उसका ब्रांड है। और 10 टैबलेट साथियों जो 42.50 रुपये की टैबलेट है, सभी केमिस्ट की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी। साथियों कंपोजिशन की बात करेंगे तो इसमें सिट्रीजिन मिला है 5 mg प्लस पैरासीटामोल 325 mg मिला है, फिनाइल फरीन 10 mg जो है इसके अंदर मिला है। साथियों यूजेस एंड बेनिफिट की बात करेंगे तो जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड सिम्टम्स, जैसे कि जुखाम हो जाता है, रिलीफ सिम्टम्स जैसे कॉमन कोल्ड हो जाता है, ब्लॉक्ड नोज हो जाता है, नाक से पानी बहता रहता है, आंखों से पानी बहता रहता है और छींक बहुत आती है, जुखाम बहुत तेज हो जाता है, कंजेशन होता है, स्टिफनेस हो जाती है, छाती जकड़ जाती है, गले में इचिंग होती है, गले में खराश होती है, हल्की फुल्की खांसी आती है, तो ऐसे केस में जो है चेस्टोन कोल्ड टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ एलर्जीज हो जाती है, जैसे राइनाइटिस हो जाती है, अचानक क्या हुआ कि मौसम चेंज हुआ या किसी फ्लावर के सूंघने से या किसी तरह की एलर्जी हुई, तो इसको टैबलेट का इस्तेमाल करेंगे, तुरंत आराम मिल जाएगा। साथियों साइड इफेक्ट की बात करेंगे तो इसको खाने से जैसे कभी कभार नोजिया वोमिटिंग होता है, किसी किसी मरीज को हेडेक होने लगता है, थकान बहुत लगती है, चक्कर आने लगता है और मुंह सूखने लगता है और क्या होता है एलर्जिक रिएक्शन हो जाती है, तो ऐसे केस में इस दवाई का इस्तेमाल क्षणिक है तो करें, अदरवाइज सीवियर कोई रिएक्शन होता है तो इसका इस्तेमाल ना करें, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अदरवाइज इसमें किसी तरह का बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट नहीं है, नोजिया वोमिटिंग या सर में दर्द है, थकान हो जाती, ये कुछ क्षणिक इसके जो है साइड इफेक्ट हैं। साथियों बॉडी में वर्क कैसे करती है, हाउ टू वर्क चेस्टोन कोल्ड इन द बॉडी। तो जैसा कि अभी बताया कि चेस्टोन कोल्ड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 medicines टैबलेट, जिसमें कि सिट्रीजिन 5 mg मिला है, पैरासीटामोल 325 mg मिला है, फिनाइल फरीन 10 mg मिला है। साथियों और इसका काम है विच रिलीव्स कॉमन कोल्ड सिम्टम्स लाइक स्नीजिंग, मतलब वाटरी आइज, कंजेशन, स्टिफनेस, रनिंग नोज, कोल्ड और कॉमन कोल्ड, जुखाम, बुखार उसकी वजह से आ जा रहा है, गले में खराश है, गले में इचिंग है, तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथियों सिट्रीजिन जो इसके अंदर मिली है वो एंटी एलर्जी का, जिसका काम है विच ब्लॉक्स दी सर्टेन केमिकल मैसेंजर्स या हिस्टामाइन रिलीफ सिम्टम्स लाइक रनिंग नोज, वाटरी आइज एंड स्नीचिंग, उसमें जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है जो कि इसमें मिली है। पैरासीटामोल साथियों क्या होता है, एनाल्जेसिक, पेन रिलीवर भी होता है, एंटी पायरेटिक, फीवर रिड्यूसर भी होता है। कहने का मतलब है एनाल्जेसिक एंटी पायरेटिक है पैरासीटामोल, ये क्या करता है विच ब्लॉक द रिलीज ऑफ केमिकल मैसेंजर्स इन द ब्रेन दैट आर रिस्पॉन्स फॉर फीवर एंड पेन, उसके लिए इस्तेमाल रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो तुरंत रिस्पॉन्स करते हैं। फिनाइल फरीन जो इसके मिला है वो डिकॉन्जेस्टेंट है, नेसल डिकॉन्जेस्टेंट है, ये क्या करता है विच नैरो द स्मॉल ब्लड वेसल्स, और ये क्या करता है नैरो कर देता है एंड प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम कंजेशन एंड स्टिफनेस इन द नोज, उससे तुरंत आराम दिलाता है। साथियों वार्निंग एंड प्रिकॉशन की बात करेंगे तो एल्कोहल अगर कोई ड्रिंक करता है उसके साथ इसका सेवन नहीं करना है, क्योंकि सडेशन के बहुत ज़्यादा चांस हो जाएंगे, साथ ही साथ कंजप्शन ऑफ एल्कोहल इज अवॉइड,
तभी इसको खाएं, अवॉइड करना है। और जो तंबाकू खाते हैं उनको इसको नहीं खाना है। साथ ही साथ एंटी डिप्रेसेंट अगर कोई पहले से दवा चल रही है तो उसमें इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो जब भी डॉक्टर या फार्मासिस्ट के पास जाएं अगर कोई बीमारी है पहले से या कोई दवा खा रहे हैं तो ऐसे केस में जो है इसका सेवन ना करें। साथियों, सिप्ला लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, इंडियन कंपनी है। उसका ये प्रोडक्ट है, 42.50 रुपये इसकी MRP है। तो साथियों, इसी के साथ विराम देंगे। किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।